तो इस सवाल में क्या कहा गया है 7 नंबर का, जो ये सवाल जो है आपका एनसीईआरटी का 7.1 का 3रा नंबर का, जो आप लोगों का यहाँ पर केसी सिन्हा में 7 नंबर का सवाल है आपका। तो कहा गया है कि 3 बिंदुएं दिया गया है ABC। आपसे कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि तीनों बिंदुएं संरेखी होती हैं। ये जांच करना है आपको कि जो 3 बिंदु दिया गया है संरेखी है या नहीं। अब संरेखी है या नहीं है ये जांच करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को यह ज्ञान होना अति आवश्यक है कि संरेखी होता क्या चीज है, संरेखी का मतलब क्या। अब हम लोग मान लीजिए कि 3 बिंदु ले लेते हैं, ए बी और सी। तीनों बिंदुएं जो है आपका एक रेखा, एक सरल रेखा पर स्थित है, जैसे कि बोर्ड पर दिखाया गया। ये देखिए बिंदुएं ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों बिंदु क्या एक रेखा पर स्थित है। 3 बिंदु हो या 3 से अधिक बिंदु हो, अगर एक रेखा पर स्थित होगा, कहां पर एक रेखा पर स्थित होगा, उसको हम लोग संरेखी बिंदु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसको कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है, संरेखी बिंदुएं या कॉलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए हम लोग अगर प्लेन पर 3 बिंदुएं ले लिए, तो 3 बिंदु ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कहीं पे भी स्थित हो सकता है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे भी हो सकता है। 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु कहीं पर भी स्थित हो सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंरेखी बिंदुएं बोलेंगे। अगर एक प्लेन पर 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होगा, तो देखिए जैसे ये 3 पॉइंट 1, 2 और 3, ए बी सी, क्या ये एक रेखा पर स्थित है तीनों पॉइंट। मान लीजिए रेखा खींचेंगे तो ऐसा होगा, 2 तो आएगा, 3रा तो आने वाला ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ए बी सी को बोलेंगे कि ये जो है आपका असंरेखी है। क्या है? लेकिन संरेखी किसको बोलेंगे, अगर 3 पॉइंट या उससे अधिक बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित होगा, एक सीधा लाइन पर, चाहे वो लाइन कैसा भी क्यों ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, उसी तरीके से ऐसा हो सकता है, कैसा भी होगा लाइन, लेकिन तीनों बिंदुएं कहां पर स्थित होना चाहिए, एक ही रेखा पर, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संरेखी बिंदुएं बोलेंगे। तो संरेखी क्या चीज है समझ में आ गया, अगर 3 बिंदुएं एक रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदुएं संरेखी है, अन्यथा असंरेखी बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो सवाल में आपको बोला गया था जांच कीजिए या निर्धारित कीजिए कि ये 3 बिंदु है, ए 1.5 और बी 2.3 तथा सी -2 -11 संरेखी है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, मान लिए, माना कि बिंदुएं ए बी तथा सी संरेखी है। अब संरेखी हम लोग मान लिए हैं तो इसको कई तरीके से सिद्ध किया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल में बोला गया है दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप इसको दिखाइए कि यह संरेखी है या नहीं। तो संरेखी दिखाने के लिए देखिए दूरी सूत्र से दिखाना, तो अब गौर से देखिए, मान लिया जाए कि जैसे ये आपका 3 बिंदु है ए बी और सी, ये तीनों बिंदुएं एक रेखा पर है, तो आपको क्या लगता है ऐसा होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी जितना होगा और बी सी जितना होगा दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर ही ना होगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, तो बताइए 2 + 2 बराबर ए सी कितना होगा, 4 होगा। यानी कि ये जो 3 बिंदुएं दिया है इसकी सहायता से आपको क्या करना है, दूरी निकालना, ए से बी का, बी से सी का, और फिर ए से सी का दूरी निकालना इस तीनों बिंदुओं से। अगर निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी दो दूरी का योग
यानी कि जोर तीसरे के बराबर है, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी। तो बराबर होने का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, इसलिए बराबर हो रहा है। मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो बताइए कभी भी हम लोग ऐसा लिख पाएंगे? ये भी बराबर ऐसी संभव ही नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अब एक एक करके तीन को दूरी निकालेंगे, एक ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे। अगर कोई भी दो दूरी तीसरे के बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी है, अन्यथा असंरेखी। समझ में आया? तो अब हम लोग दूरी सूत्र तो पढ़े हुए हैं इससे पहले ही, तो दूरी सूत्र के प्रयोग से हम लोग अब एक एक करके दूरी निकाल लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर इस दो बिंदु में ए बी। तो चूंकि अब ए बी हम लोग सारा कुछ जान चुके हैं कि कोण एक्स वन और एक्स टू कोण होता है, लिखने के लिए आता है, तो हम लोग फिर भी एक में हम लोग लिख लेंगे, अन्यथा और किसी में नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे ए तथा बी में, यानी कि बिंदुएं ए तथा बी में क्या दिख रहा है? एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। तो x1 देखिए ये हो जाएगा 1 और x2 कौन हो जाएगा 2 और फिर y1 कौन हो जाएगा 5, ये कौन हो जाएगा 3। ये चीज निकाले, ये चीज निकालना कोई जरूरत नहीं, हम लोग देख लिए, सीख चुके हैं कि कौन x1 होगा कौन x2 होगा, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इस्तेमाल ले लिए ताकि हमको आसानी से समझ में आए। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर, दूरी सूत्र लिख देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब हम लोग मान क्या करेंगे, एक एक करके रख देंगे सभी का। एक्स टू का मान देंगे, एक्स टू बराबर टू है, यहाँ पे टू रखेंगे, माइनस एक्स वन है, एक्स वन का मान वन है तो वन का स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई टू का मान तीन, वाई टू बराबर थ्री, माइनस वाई वन का मान पांच है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं बराबर में ये चीज, रूट अंडर दो में एक घटेगा, क्या बचेगा? एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस तीन में पांच घटाएंगे, माइनस दो का स्क्वायर। अब देखिए वन का स्क्वायर वन होगा और दो का स्क्वायर चार होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकल गया, पांच इकाई। अब रूट पांच है तो रूट पांच कभी भी बाहर आने वाला नहीं है पांच, तो ए बी का मान इतना इकाई होगा। ए बी का मान हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। तो लिखेंगे डायरेक्ट, अब हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कोमा देके यहाँ पर लिख लेंगे बी सी बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर। ये देखिए अब हम लोग मान लिखना है ना, तो आसानी से ही से देख के लिख देंगे, b और c में निकालना है ना, तो ये आपका x1 इसको मान सकते हैं, x2 ये वाला हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे माइनस टू माइनस टू का होल स्क्वायर, x2 का मान माइनस टू और ये वाला क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए y2 हम लोग माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 11 माइनस वाई वन का मान थ्री का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, माइनस टू और माइनस टू, माइनस फोर हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 और माइनस तीन, कितना हो जाएगा, माइनस 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर
छियानवे हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो छ और छ बारह, नौ एक दस एक ग्यारह दो, 212 हो जाएगा। 212 को हम लोग एलसीएम विधि से तोड़ेंगे, 212 है दो एक और ये आपका जीरो एक आ जाएगा, और ये तो यानी कि टूटने वाला है ही नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस ना, यानी सब कुछ ठीक, इतना इकाई हो जाएगा। यानी कि क्या निकल गया आपका, BC का दूरी निकल गया। अब लिखेंगे तथा AC बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A और C है ना, A और C ये है, तो ये वन वाला हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। x2 का मान माइनस टू और x1 का मान माइनस वन लिख देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पर 11 है और y1 का मान क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। एसी में निकाल रहे, ये ध्यान रखना, जिसमें निकालेंगे उसी दोनों में x1 x2 चुनना, ऐसा नहीं कि इसमें चुनेंगे, है ना। तो x वन ये वाला हो जाएगा, एक्स टू ये वाला हो जाएगा, वाई वन ये वाला, वाई टू ये वाला। तो वाई वन का मान यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अब हम लोग निकाल लेंगे इसको जोड़ करके, माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस अलेवन माइनस फाइव माइनस सिक्सटीन का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, तीन का स्क्वायर नौ प्लस सोलह का स्क्वायर 256, और इसको तोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो नौ और छ पंद्रह, छ 265 आ जाएगा। 265 को भी तोड़ के देखेंगे हम लोग, तो तोड़ के देखेंगे तो आपका पाँच छ ग्यारह दो तेरह, पाँच से ही टूटेगा, पाँच पचे पच्चीस, एक पांच या पंद्रह, टूटने वाला है क्या। अच्छा ये 212 का हम लोग जो निकाले थे इसका नहीं निकल रहा, एक बार में जीरो छह दो जो निकल रहा है जी त्रिपन। चलिए देखिए यहां जो हम लोग लिखे ना बीसी बराबर इतना है 212 है, तो 212 को तोड़े तो कितना आ रहा, दो गुना दो त्रिपन आ रहा है ना, तो दो का जोड़ा लगेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिखेंगे, दो गुना त्रिपन बराबर, तो यहाँ पे जोड़ा लग गया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और त्रिपन क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये बीसी का मान इतना निकल गया। अब देखिए 265 को हम लोग तोड़े थे कितना निकल रहा था, पांच से तोड़ेंगे तो पांच पचे पच्चीस, यानी कि टूटेगा नहीं, एक पांच क्या पंद्रह, टूटने वाला नहीं, इतना ही रहेगा। त्रिपन गुना पांच करेंगे कितना, जस्ट लाइक इतने ही रह जाएगा आपका। तो ये आपका क्या निकल गया, एसी। तो यहां पर अब गौर से देखिए हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ये तीनों बिंदु है, किसी भी दो का योग तीसरे के बराबर आपको दिखाना है ना। तो अगर देखिए हम लोग किसी को भी जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए बी और बी सी, ए बी का मान कितना रूट पांच और प्लस बी सी का मान कितना टू रूट 53, ये दोनों जुड़ने वाला है, जुटेगा ही एक तरीके से, लेकिन जोड़ना है आपको। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे नहीं जब तक तो पता नहीं चलेगा, इसको हम लोग अब थोड़ा सा मेहनत करके इसको पॉइंट के रूप में निकालेंगे, ठीक है।